अचानक बरसात जाती तो थाली बेले ऐसे जूठे सूचे बाहर भी आंगन में रखे रहते थे। तो हमारी दादी जी विशेष रूप से भागकर जाती थी बेगती हुई और उन सब काशी के थाली और बेलों को अंदर रखती थी और फिर कभी कभी दूसरों को हमें भी कहती थी इन उठा कर अंदर रखो, इन पर बिजली पड़ जाया करे, आकाश की बिजली काशी पर अवश्य गिरती है अगर बाहर उसकी रेंज में रह जाता है। तो ऐसे ही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा जैसे बिजली उस थाली पर काशी धातु पर ही गिरती है, उसको ही आधार बनाकर यहाँ आती है, ऐसे ही वो परमात्मा उन श्रेष्ठ आत्माओं को ही मिलता है। तो भाव ये समझना इसका कहने का कि और तो वो मिल नहीं सकते, जो मारे कैसे अज्ञानी ना आकर मिल जाए तो सुना कोई ना है उसमें जो का चल अपना काम करे, क्योंकि हम तो भगवान को निराकार मानने बैठे हैं और जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो इतनी अनाड़ी नहीं होते, वो सुनते हैं बहुत ध्यान से फिर निर्णय लेते हैं और फिर भी थोड़ी बहुत कोई कमी रह जाती है तो भगवान उनको सतलोक ले जाकर फिर दृढ़ करते किया उनको फिर वापस छोड़ा। तो वो पुण्यात्मा ऐसे दृढ़ भक्त होते हैं फिर संसार सारा एक तरफ जब ज्ञान समझ में आ जाता है और वो अकेला एक तरफ प्रहलाद की तरह, पिता भी शत्रु सारा समाज शत्रु कर दिया उस पिता ने और नकली गुरुओं ने, लेकिन प्रहलाद ट्रस से मस नहीं हुआ। ऐसे ही दृढ़ भक्त जो होते हैं उन्हीं को ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर प्रदान करता है और ये वेद प्रमाण कर रहे हैं और इसी यही लीलाएं उस परमात्मा ने सौ सौ बार कर रखी हैं, बहुत बार कर रखी हैं, जो कि आप उनको प्रमाण नहीं मान सकते और जो प्रमाणित हैं उनमें से कुछ एक के उदाहरण आपके सामने इस सत्संग में दिखाए जाएंगे दिए जाएंगे। ये फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का ये मंत्र नंबर 1 नीचे आपने अभी पढ़ा, इसका अभी आपने पढ़ा, इसका अर्थ है कि जो सर्वोपादक उत्पादक सबका जनक परमात्मा प्रभु स्वामी प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान वो दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है, गूंज रहा है, आवाज लगाता है। वह वर्णीय पुरुषों को श्रेष्ठ आत्मा पुरुष को श्रेष्ठ आत्मा को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। यह अनुवादक की अपनी सोच थोड़ी सी अनुवाद में होती है। अब दो में के कहा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 में, एक आपने पढ़ लिया, ए परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी आते किस उद्देश्य से, ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि वो सत उपदेश सच्चा ज्ञान देने के लिए उस उद्देश्य से इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान वहां से गति करके आते हो, चल कर आते हो, समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो होते हैं, यानी हम जो साधना करते हैं उनकी रक्षा भी आप करते हैं। आप कबीर देव हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ तो वो हैं ही, अब अर्थ नहीं करना, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, इसमें कबीर देव लिखना चाहिए था, कबीर हम उसको कवि, कवि को हम कवि कहते हैं, कवि आप कबीर साहब हैं और सद शुद्ध स्वरूप हैं,
हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोम आप हमको सुख दें। बस इतना ही काफी है। अब तीसरा और देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 3 भी यही प्रमाण दे रहा है कि पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए यानी वहाँ से चलकर आते हुए आते हैं और सर्वव्यापक नहीं है, आप है माने आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। भाई इतना ही देखना। अब यहाँ हमने जो निष्कर्ष निकालना था, आज जो ये 4 का सत्संग प्रारंभ हो रहा है पुण्यात्माओं, अब यह भूमिका बनी है और इतने ये 2 हो गए, अब सत्संग रात में शुरू होगा, अभी और थोड़ा सत्संग सुनाते हैं, इसमें अभी भूमिका भी रहती है। अब गीत ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का 1, 2, 3 मंत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के 16 से लेकर 20 और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 आपको दिखाते हैं। वो तो दिखा लिए, अब ये दिखाते हैं उसमें स्पष्ट लिखा है वो कबीर देव, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 और इसका मंत्र नंबर 1 में स्पष्ट लिखा है। इसमें आपका मूल संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये नागरी लिपि है, पर कबीर देव कबीर देव वित्ते अयो। अब यहाँ देखो वारे भी अरसी, वह परमात्मा कबीर देव है, वह परमात्मा जिसकी महिमा इस वेद में गाई जा रही है, वह परमात्मा कबीर देव है। कबीर का अर्थ में दावी कर दिया इन्हें, महिमा परमात्मा की चल रही है तो कबीर देव का अर्थ, कवि का अर्थ कबीर देव लिखना पड़ा, जैसे यजुर्वेद यजु का अर्थ यजुर्वेद ही लिखना न्याय संगत है। कबीर देव है, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए, विद्वानों की तृप्ति के लिए अर्थात ज्ञान देने के लिए ज्ञान को देता है। अब यहाँ है वो ये ज्ञान देता है, ज्ञान को देता है यानी वहाँ से चलकर आता है तभी तो ज्ञान देता है, और सहनशील है। परमात्मा के साथ कितने जुल्म हुए थे कबीर जी के साथ, उसकी लीलाएं आपको रह रहकर सुनाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी को बद्दुआ नहीं दी। सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, आध्यात्मिक ज्ञान के युद्ध में, आध्यात्मिक ज्ञान के युद्ध में सबको हराता है, नष्ट कर उनकी ज्ञान का नाश कर देता है, ये वो मारने वाला नहीं है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि का रचनहार कुल मालिक, सतलोक से चलकर यहाँ आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उन दृढ़ भक्तों को पुण्यात्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होता है, और उसको अपने अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराता है। उनमें से कौन कौन है वह महान आत्माएं, आधा दर्दन से दास परिचित है, जिनको वो परमात्मा सतलोक से चलकर आकर यहाँ मिला और फिर उनको लेकर के उनकी आत्माओं को सचखंड लेकर पहुँचा, सचखंड सतलोक से उनको फिर वापस छोड़ा उसी शरीर में, उन प्यारी आत्माओं ने फिर परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान का डंडोरा पीटा। परमेश्वर की उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, ईरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे।
परमेश्वर कबीर देव जी कह रहे हैं कबीर साहब जी के चारों युगों में मेरे संतों ने भी मेरे से परिचित होने के उपरांत उस आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का उच्च सुर में आवाज़ लगाई और मैंने भी, परमात्मा कहते हैं कि मैंने भी और मेरे से परिचित मेरे संतों ने भी इस यथार्थ ज्ञान की जानकारी आवाज़ लगा लगा के, रुक के मार मार के, ढोल के डंके पे, कहीं खड़े होकर के, जैसे बाजीगर तमाशा दिखाता है, डुग डुगी बजाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो अपना जो सामान लिए होता है, जो भी कुछ करना होता है वो करता है। तो ऐसे परमात्मा कबीर जी कहीं खड़े हो जाते थे, अपनी इस अमृतवाणी को बोलने लग जाते थे ऊँची ऊँची आवाज़ में, बहुत से व्यक्ति एकत्रित हो जाते थे, उनको भी फिर वो ज्ञान सुनाया करते थे। इसी प्रकार वेदों में लिखा कि वो परमात्मा अपनी वाणी को ऊंचे स्वर में उच्चारण करके कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से वो कवि भी कहलाता है। तो उन किन किन को मिले, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, ईरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। डेल माने डले। सत्य भक्ति सत्य मंत्र यथार्थ ज्ञान रूपी मोतियों, हीरे और मोती हैं, और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं आचरण वो डले हैं। एक पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना करना तो हीरे हैं मोती लाल प्राप्त करना है, और आन उपासना अन्य देवताओं की पूजा डले हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, और हीरे माणिक मोती बरसे, और ये जग चुगता ढेल रे, ये डले ढो रहा है, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है आन उपासना और उस अज्ञान रूपी आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करके, क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है। और ये मन जो है ये हमारे ऊपर कंट्रोलर बना दिया काल ने, आत्मा इसके अधीन कर दी। अब इस आत्मा को अज्ञान से इतना परिपूर्ण कर दिया, ये अपने स्वरूप से भी अपनी सामर्थ्य से भी अपरिचित होगी, और इस काल के द्वारा दिए गए ज्ञान से इतनी भयभीत रहता है ये आत्मा, डरता रहता है, जीव बना दिया। और कोई इसको यथार्थ ज्ञान देने की चेष्टा करता है तो मन कहता नहीं नहीं चल चल, इस आत्मा को लेकर के घसीट ले जाता है, और जहाँ बकवादें होती हैं ये आत्मा को घसीट ले जाता है, वहाँ भी कहता नहीं यहाँ ठीक है यहाँ सुनेंगे। अब जैसे हम पहले पूजाएं करते थे, हनुमान जी का हनुमान चालीसा करते थे, और भी कोई मंत्र जाप जैसा भी जिसने बताया वैसा ही हम कर लिया करते थे, श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ भी हम करते थे, मंगलवार का व्रत भी रखते थे, रखता था ये दास, और भी बहुत से भक्त हैं ऐसे जो व्रत भी रखते थे। तो यदि कोई एक व्रत रख रहा है तो उसको कोई कह देना, कोई सोमवार का व्रत रख रहा है उसको कह दे शुक्रवार का व्रत और बड़ा लाभ देता है, तो शुक्रवार का तुरंत शुरू कर देता था। और कोई कहीं पीर पूजने जा रहा है, दूसरा उसको कह दे कि वहाँ साल आसर चलो, वहाँ बहुत लाभ होता है, वहाँ भी चला जाता है। और जो सालासर जा रहा होता है उसको कह दे कि वहाँ पीर की मंडी पर माथा टेक दे, मौज माच जाती, वहाँ भी चला जाता है। कोई कुछ मंत्र जाप कर रहा है तो उसको कोई कह दे कि ये मंत्र बहुत फायदेमंद है, उसका भी जाप करने शुरू कर देता है। और जब इसको ये कहा जाता है कि ये साधनाएँ जो आप जी कर रहे हो कति गलत हैं और ये साधना बिल्कुल ठीक है, जो सच्ची साधना बताई जाती है, तो ये मन स्ट्राइक कर जाता है, अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर अड़ा कर खड़ा हो जाता है, ना 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 ऐसा कहाँ दिखा, किसने देखा है, कहाँ लिखा है। तो लिखा हुआ दिखा दिया जाता है तो भी ना मानते, अब जो लिखा हुआ देखकर भी नहीं मानते और उन अनाड़ी अज्ञानी संतों के फंसे हुए हैं, उनके बारे में परमात्मा की वाणी में परमात्मा का आदेश है कि वो चतुर प्राणी चोर हैं, मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, और वो संतों के निकाम के उनको जोगल जोट है, और जानबूझ साची तजय
आँखें देख के इन सदग्रंथों के प्रमाणों को, और फिर भी यहाँ नहीं आता है, उस नहीं त्यागता उस शास्त्र विरुद्ध साधना को।